जब भी गाइस फोन पे से यहाँ पर लाइट बिल भरते हैं QR कोड से, तो गाइस आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है पेमेंट फेल्ड। तो ये क्यों दिखाई देता है, इसे कैसे फिक्स करना है और कैसे यहाँ पर कैसे लाइट बिल भरना है बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा, स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बोलता है पेमेंट फेल्ड, यू आर ट्राइंग टू सेंड मनी टू ब्लॉक्ड UPI ID VPN, प्लीज़ ट्राई विथ अनदर UPI ID। If money has left your account, it will be refunded within 3 to 5 days। तो यहाँ पर आपको बोलता है पेमेंट फेल हो चुकी है और यहाँ पर जो UPI ID को आपने सेंड किया है पैसे, वो ब्लॉक्ड UPI ID है, ब्लॉक हो चुकी है, तो इसलिए दूसरे UPI ID आप डालिए ऐसा बोल रहा है। और अगर आपके पैसे कट जाते हैं तो 3 से 5 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। तो जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं लाइट बिल का, तो यहाँ पर जो QR कोड होता है, जो UPI ID है, उसकी ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लाइट बिल नहीं भर पाएंगे। तो आपको कैसे पेमेंट करना है फिर यहाँ पर आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है, फ़ोनपे के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लिक करना है, फिर जो भी आपका है MSEDCL महावितरण है, मेरे पास MSEDC महावितरण है, तो आपका जो है सो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर डालना होगा जो कि बिल के ऊपर आएगा, और सब डिवीजन कोड डालना होगा जो कि यहाँ पर नीचे साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में नीचे सब डिवीजन कोड रहता है, वो आपको डाल देना है। इसके बाद कंफर्म करना है, जिससे यहाँ पर फेचिंग होकर यहाँ पर जो बिल है वो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, नाम आ जाएगा, वो आपको कन्फर्म करके आपको पे कर देना है, जिससे लाइट बिल यहाँ पर पे हो जाएगा, लाइट बिल ऐसा करके आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।